अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स। इंट्रोडक्शन टू आईसीटी कोर्स में ऑलरेडी हम अपना कुछ कंटेंट कवर कर चुके हैं। अगर हम एक दफा अपना प्रीवियस कंटेंट रिव्यू करें तो हमने ऑलरेडी अपने आईसीटी के कोर्स में पढ़ लिया कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इसके कितने तरह के पार्ट अवेलेबल है, और उन पार्ट में हमने देखा कि हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है और उनमें सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या है। फिर हमने माइक्रोप्रोसेसर के बारे में भी पढ़ा कि माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, कितनी टाइप के माइक्रोप्रोसेसर हैं, इन माइक्रोप्रोसेसर की हिस्ट्री भी हमने पढ़ी। फिर हमने प्रोसेसर की परफॉर्मेंस की तरफ मूव किया और हमने देखा कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस क्या होती है, किस तरह से प्रोसेसर की परफॉर्मेंस आपके ओवरऑल सिस्टम पे इम्पैक्ट करती है, और किस तरह से हम कौन से पैरामीटर हैं जिनको इम्प्रूव करके हम अपने कंप्यूटर प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं, और कौन सी ऐसी ऐसे पैरामीटर्स हैं और ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को डिग्रेड करते हैं। उसके बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। फिर हमने ये भी देखा कि क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी है। हमने हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा एक्ट करता है एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन अ हार्डवेयर डिवाइस एंड अ ह्यूमन सिस्टम, और ताकि वो ऑपरेट हो सके, ह्यूमन 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 बीइंग ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू अपने हार्डवेयर को ऑपरेट करते हैं। उसके बाद हमने नंबर सिस्टम पढ़ा कि कितने तरह के नंबर सिस्टम अवेलेबल हैं। हमने डेसिमल नंबर्स के बाद हमने बाइनरी सिस्टम को भी देखा, हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी देखा, हमने ऑक्टल सिस्टम को भी देखा, हमने इन सिस्टम्स के दरमियान में कन्वर्जन को भी देखा, हमने बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन भी देखी, हमने डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन भी देखी, हमने डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी देखी, एंड वाइस वर्सा, हमने बाइनरी कन्वर्जन से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन भी देखी, हमने हेक्सा से बाइनरी कन्वर्जन भी देखी। तो ये सारी कन्वर्जन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में। उसके बाद हमने कंप्यूटर नेटवर्क के चैप्टर में देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, किस तरह से नेटवर्क बनते हैं, टोपोलॉजीज के बारे में हमने देखा, नेटवर्क कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया कि नेटवर्क कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम अपने इंट्रोडक्शन टू आईसीटी के कोर्स में आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे। अपनी इंट्रोडक्शन टू आईसीटी की कोर्स बुक पीटर नॉर्टन की जो कोर्स बुक है उसके अंदर हम जो चैप्टर अब पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर 12, विच इज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग एंड इट्स डेवलपमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्या है बेसिकली और इसकी डेवलपमेंट कैसे करनी है, ये अब हम अपने फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो इसमें इस लेक्चर में हमने मेनली डिस्कस ये करना है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है क्या या कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, और उसको लिखने के लिए क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर है और किस तरह से हम उसको प्लान करके लिखेंगे। इट्स नॉट अबाउट जस्ट राइटिंग अ प्रोग्राम एंड एग्जीक्यूटिंग इट, इट्स अबाउट प्लानिंग हाउ यू विल राइट योर प्रोग्राम फॉर इट्स एफिशिएंसी एंड बेटर वर्किंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या। कंप्यूटर प्रोग्राम बेसिकली हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, सेट ऑफ लाइंस हैं जो कि हम अपने प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं ताकि हम अपनी डिवाइस को या कंप्यूटर डिवाइस को बता सकें कि क्या काम करना है। ठीक है, जब हम प्रोग्राम की बात करते हैं तो प्रोग्राम हमारा हो सकता है चार लाइनों का हो सकता है हमारा प्रोग्राम 100 लाइनों का हो सकता है हमारा प्रोग्राम 1000 लाइनों का हो। अब ये डिपेंड करता है हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कि हम किस चीज को रिजोल्व कर रहे हैं। जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर बेसिकली मॉड्यूल्स पे डिवाइडेड होता है, मेन मॉड्यूल होते हैं और सब मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल्स बेसिकली क्या है, हमारे पास लार्जर एंड स्मॉलर फाइल्स हैं। अब अपने जो हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हम मल्टीपल लार्जर एंड स्मॉलर फाइल्स में डिवाइड कर लेते हैं ताकि उसकी मैनेजमेंट आसान हो। अब जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको जब हम डिवाइड करते हैं तो मल्टीपल एक्सटेंशंस बनती हैं फाइल की, मल्टीपल फाइल्स बनती हैं जिनकी मल्टीपल एक्सटेंशंस होती हैं। कंप्यूटर विंडोज बेस्ड कंप्यूटर के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी तरह की प्रोग्राम की एक्सटेंशन हो सकती है। सबसे पहले हम सारों ने एग्जी फाइल को वन और दी अदर वे देखा ही है, अगर नहीं भी देखा तो अभी हम देख लेंगे थोड़ी देर बाद हम सारी जो एक्सटेंशन है ये हम देखेंगे कि हमारे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी अवेलेबल होंगी। हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से तो हम उसकी एग्जी फाइल एग्जीक्यूटेबल फाइल डाउनलोड करते हैं और फिर हम उस पर डबल क्लिक करते हैं और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं।
ठीक है, तो एग्जी फाइल होती है, फिर हमारे पास डायनामिकली लिंक लाइब्रेरी फाइल होती है जिसे हम डीएलएल फाइल भी कहते हैं, फिर हमारे पास इनिशियलाइजेशन फाइल है जिसे हम आईएनआई फाइल भी कहते हैं, फिर हमारे पास हेल्प फाइल है जिसको हम .hlp एक्सटेंशन के साथ या .chm एक्सटेंशन के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हमारे पास बैच फाइल होती है जिसको .bat की एक्सटेंशन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये मल्टीपल फाइल्स हैं, हमें ये देखना है कि हर फाइल अपने अंदर किस तरह की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, तो इसके लिए हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि ये क्या होगी, ये हमारी एक फाइल है जिसके अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जो कि बताती है जब एग्जीक्यूट होती है तो हमारे प्रोसेसर को कि क्या कमांड बेसिकली प्रोसेसर ने सेंड करनी है, राइट। फिर हम डीएलएल फाइल की तरफ मूव करते हैं। डीएलएल फाइल क्या है, बेसिकली ये हमारे पास पार्शली .exe फाइल है क्योंकि ये अपने आप रन नहीं हो सकती। अब जब हम कहते हैं ये अपने आप रन नहीं हो सकती तो इसका मतलब क्या है कि इसको रन करने के लिए आपको और किसी फाइल को रन करने की जरूरत है, ये एज अ पार्ट ऑफ दैट फाइल रन हो सकती है। जब हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करते हैं तो हम अपनी डीएलएल फाइल बनाते हैं, और डीएलएल फाइल बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि हम अपने जो प्रोग्राम है उसको स्मॉलर कोड चंक्स में डिवाइड कर दें जिनको अगर हम बाद में रिप्लेस करना चाहें या अपग्रेड करना चाहें तो हम अपग्रेड कर सकें, राइट। जब हम अपने किसी भी सॉफ्टवेयर की नेक्स्ट रिलीज इंस्टॉल करते हैं तो बेसिकली हम क्या रिप्लेस कर रहे होते हैं, हम उसकी डीएलएल फाइल को रिप्लेस कर रहे होते हैं। डीएलएल फाइल जब आपके प्रोग्राम में मौजूद है तो वो एट द सेम टाइम मल्टीपल प्रोग्राम उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे पास है इनिशियलाइजेशन फाइल जिसकी एक्सटेंशन हमने .ini देखी थी। .ini फाइल हमारी कंफिग्रेशन फाइल भी कहलाती है। इसके अंदर हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी कंफिग्रेशन इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, फॉर एग्जांपल कि बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, यूजर नेम क्या सेट किया जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट विंडो का क्या होगा और फाइल का साइज कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम कंफिग्रेशन फाइल के अंदर स्टोर करते हैं। हेल्प फाइल के अंदर बेसिकली हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से अगर यूजर को इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो वो किस तरह से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। इट इज बेसिकली एन इंडेक्स फाइल, इंडेक्स फॉर्मेट के अंदर हमारे पास फाइल होती है जिसको हम क्रॉस फॉर्मेट के अंदर स्टोर करते हैं। फिर हमारे पास है बैट फाइल एक्सटेंशन। बैट फाइल एक्सटेंशन हमें बेसिकली बताती है कि कौन से टास्क हमें रेपिटेटिवली ऑटोमेटिकली परफॉर्म करते जाने। हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में ये फाइल कहाँ अवेलेबल होती है। हम सी में जाते हैं और हम विंडोज का जो फोल्डर है उसको ओपन करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये सारी फाइल्स अवेलेबल हैं कि नहीं। हमने कहा पहली हमारे पास जो एक्सटेंशन हमने पढ़ी, हमने कहा वो हमारे पास है .exe फाइल, राइट। तो यहाँ पे जहाँ एप्लीकेशन लिखा हुआ है यहाँ इसको ओपन करके हम देखते हैं कि हमारी बाकी .exe फाइल है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एप्लीकेशन जहां पे टाइप में एप्लीकेशन लिखा है इसका मतलब क्या है, ये हमारी .exe फाइल है, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर .exe लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ी है वो हमारी है एग्जीक्यूटेबल फाइल के बाद हमने पढ़ी डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। तो इसमें देखते हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है .dll, ठीक है। तो एप्लीकेशन की एक्सटेंशन लिखी हुई है यहाँ पे, तो हम इसको ओपन करके देखते हैं कि ये वाकई DLL है कि नहीं। तो ब्रैकेट के आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये DLL फाइल है, दैट मीन इट इज डायनामिकली लिंक लाइब्रेरी, राइट। फिर हम देखते हैं कि तीसरी फाइल जो हमने देखी तो हमने कहा हमारे पास कंफिग्रेशन इंफॉर्मेशन स्टोर होती है .ini फाइल के अंदर। तो यहाँ पे ढूंढते हैं जहां पे हमारे पास कंफिग्रेशन सेटिंग लिखा होगा वो हमारी .ini फाइल है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंफिग्रेशन सेटिंग है, इसको हम अगर प्रॉपर्टीज में देखें तो इसके आगे लिखा हुआ है कि ये .ini फाइल है विच इज इनिशियलाइजेशन फाइल है ये हमारी, जिसके अंदर सारी कंफिग्रेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। उसके बाद हमारे पास जो हमने एक्सटेंशन देखी वो थी .chm या फिर .help की। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर अवेलेबल है हेल्प के नाम के साथ, इसके अंदर हम ढूंढते हैं कि हमारे पास जो हेल्प की फाइल है वो कहाँ मौजूद है, ठीक है। हम ऐसे कहते हैं हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं यहाँ पे .chm फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है HTML help file, ठीक है। तो इसको मैं अगर properties open करके देखूं, इसके आगे यहाँ पे मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है कि ये मेरे पास एक CHM file है, ठीक
ठीक है, या CHM लिखा होगा या फिर हेल्प लिखा होगा। और अगर मैं देखूं कि बैच फाइल मौजूद है कि नहीं, तो मैं यहीं पे लिखूंगी बी ए डॉट डॉट बैच। अच्छा, हेल्प के अंदर नहीं लिखते हैं, सी विंडोज के अंदर जाके हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास बैच फाइल मौजूद है कि नहीं। ये सर्च करेगा कि बैच फाइल इस फोल्डर में कहाँ कहाँ मौजूद है और उसकी पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल होगी। अब हम देखते हैं कि इनमें से कहीं पे बैच फाइल मिलती है कि नहीं। ये अगर आप देखें तो इसके सामने लिखा हुआ है बैच फाइल, ठीक है, ये हमारे पास बैच फाइल है। इनको अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी ओपन करके देखूं तो इसके सामने आपको लिखा हुआ नजर आएगा डॉट बैच फाइल, ठीक है। तो जब हम कोई भी जैसे हमने विंडो इंस्टॉल की, तो अब इस विंडोज के साथ, विंडो एक सॉफ्टवेयर है ना, तो हमारे पास एक बेसिकली एक प्रोग्राम है जो कि राइट किया गया ताकि हम अपने हार्डवेयर जो कंप्यूटर्स हैं उनको इनेबल कर सकें टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन बीइंग और इंटरेक्टिव बनाने के लिए। तो जब ये प्रोग्राम लिखा गया तो उसके साथ हमारे पास ये सारी फाइल प्रोवाइड की गई जो कि एक सॉफ्टवेयर के लिए वर्किंग के लिए जरूरी है, ठीक है। तो जो एक्सी फाइल, डीएलएल फाइल, इनिशियलाइजेशन फाइल, डॉट हेल्प फाइल, डॉट बैच फाइल को देखने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम अपने लेक्चर में कवर करने वाले हैं वो ये है कि आपने अपना प्रोग्राम लिखना है तो आपने उसको प्लान कैसे करना है, ठीक है। अगर आपने अपने कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखना है तो उसके लिए आपके पास जरूरी है कि आपके पास प्रॉब्लम अवेलेबल हो, ठीक है, कि जिस प्रॉब्लम को आपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर ट्रांसलेट करना है। अब प्रॉब्लम हमारे पास अवेलेबल है तो हम हैपहैजर्डली उसको लिखना, कोडिंग को लिखना स्टार्ट नहीं कर देंगे, बल्कि हम पहले से प्लान करेंगे कि हमारी इनपुट क्या है, उसके ऊपर क्या प्रोसेसिंग हमें अप्लाई करनी है और उससे क्या आउटपुट जनरेट करनी है, राइट। तो हमारे पास दो टूल्स अवेलेबल हैं टू प्लान आर कोड राइटिंग, जिसको हम कहते हैं, पहला जो हमारे पास तरीका है वो है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट, एंड नंबर टू इज फ्लो चार्ट डिजाइन। अगर पहले को हम देखें तो जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो चार्ट है इसके अंदर हमारे पास तीन कॉलम्स होने चाहिए। एक कॉलम के अंदर हम इनपुट लिखेंगे, दूसरे में हम देखेंगे कि इस इनपुट के ऊपर क्या प्रोसेसिंग की जाए, और तीसरे में हम देखेंगे कि प्रोसेसिंग के बाद क्या आउटपुट जनरेट होगी, ठीक है। सपोज हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ आवर्स एंड आर्ली वेज, और उसकी जो आउटपुट आएगी वो हमें स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करनी है, राइट। तो अब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हुए हमारा जो पहला काम है वो ये है कि हम डिसाइड करें कि हमारी इनपुट क्या होगी, हमारी आउटपुट क्या होगी और हमारी प्रोसेसिंग क्या होगी। क्योंकि हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है तो इसका मतलब है कैलकुलेशन होगी ग्रॉस सैलरी की, प्रोसेसिंग होगी ग्रॉस सैलरी की कैलकुलेशन पे। इनपुट में हमारे पास नंबर ऑफ आवर्स आ जाएंगे और आर्ली वेज आ जाएगी, और आउटपुट पे हमने ग्रॉस सैलरी को डिस्प्ले करना है। अब हम इसका आईपीओ चार्ट देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट में जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि तीन ब्लॉक होंगे, पहला हमारे पास है इनपुट ब्लॉक, दूसरा है प्रोसेसिंग एंड तीसरा है आउटपुट। इनपुट के अंदर हम देखेंगे कि किन दो चीजों की हमने इनपुट लेनी है। सबसे पहले हम आली वक्त यूजर से इनपुट करवाएंगे, फिर उसके बाद हम दो वेरिएबल्स हमने लिए जिनके अंदर हम इनपुट करवाएंगे। प्रोसेसिंग में हमने यूजर से कहा एंटर नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, यूजर ने इनपुट किए वर्किंग आवर्स, फिर हमने यूजर से कहा कि इनपुट आर्ली वेज पर आर वो किस रेट पे काम कर रहा था, और फिर उसके बाद हमने फॉर्मूला अप्लाई किया जिसपे प्रोसेसिंग होगी और कैलकुलेट होगी हमारे पास ग्रॉस पे। जब हमारे पास ग्रॉस पे कैलकुलेट हो गई है तो हमने डिस्प्ले कर देनी है ग्रॉस पे ऑन दी आउटपुट स्क्रीन, और ये हमारी ग्रॉस पे जो है वो हमारी आउटपुट आ गई, राइट। अब हम देखते हैं कि दूसरा तरीका जो हमने पढ़ा के अपने किसी भी प्रोग्राम को प्लान करने के लिए जो दूसरा तरीका है वो हमारा है फ्लो चार्ट का। फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है? फ्लो चार्ट हमारे पास एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम सेट ऑफ सिक्वेंशियल ऑपरेशन जो भी हमारे प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म हो रहे हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं अपने पर्टिकुलर सिंबल्स के थ्रू, राइट। सो एक्चुअली इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर प्रॉब्लम इन डायग्रामेटिक फॉर्म अलॉन्ग विद द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है।
सो हमने अपने प्रोग्राम में ये फ्लो चार्ट के थ्रू बताना है कि हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे एंड होगा और क्या क्या प्रोसेसेस या क्या क्या डिसीजन उसके अंदर हम परफॉर्म करेंगे। अब कुछ सिंबल्स हम देख लेते हैं जो कि हमारे फ्लो चार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि एक टर्मिनल लिखा हुआ है, ठीक है। टर्मिनल बेसिकली क्या है कि हमारी इंडिकेट करता है कि हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट एंड होगा। फिर हमारे पास कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि हम रेक्टेंगल को देख रहे हैं, तो रेक्टेंगल बेसिकली प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इट इंडिकेट एनी टाइप ऑफ इंटरनल ऑपरेशन इन साइड द प्रोसेसर और मेमोरी, जैसे कि हम दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, जैसे हम दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या फिर कोई भी कंप्यूटेशन जहां पे परफॉर्म हो रही है उसको हम इस रेक्टेंगल के अंदर लिखते हैं। फिर हमारे पास पैरेललोग्राम का सिंबल है जिसको हम इनपुट या आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज करते हैं। अगर मैं नंबर वन या नंबर मैं आली वेज एंटर करवाना चाह रही हूँ तो मैं उसको इस पैरेललोग्राम के अंदर इनपुट करूंगी। फिर अगर आपकी प्रोग्राम के अंदर या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है तो हम एक डायमंड यूज करते हैं। डिसीजन मेकिंग बेसिकली क्या है, जहां पे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि वेदर दिस इज ट्रू और फॉल्स, ठीक है, येस और नो में हमारा आंसर हो तो हम वहां पे डिसीजन कर रहे होते हैं बेसिकली। फिर हमारे पास एक सर्कल की शेप होती है जो कि हम यूज करते हैं टू कनेक्ट टू और डिफरेंट डायग्राम्स इन ऑनलाइन, इसको हम कहते हैं कनेक्टर। इट अलाउज द फ्लो चार्ट टू बी ड्रॉन विदाउट इंटरसेक्टिंग द लाइन और विदाउट अ रिवर्स फ्लो। ये बेसिकली दो जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए भी काम आता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है प्री डिफाइंड प्रोसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, यूज टू इन्वोक अ सब रूटीन और एन इंटरप्रेटेड इंटरप्टेड प्रोग्राम। अगर मैंने किसी बिल्ट इन प्रोग्राम को यूज करना है या बिल्ट इन मेथड को मॉड्यूल को यूज करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे ये सिंबल यूज करना पड़ेगा। देन मेरे पास है फ्लो लाइन। फ्लो लाइन बेसिकली जब हम कहते हैं फ्लो चार्ट तो मेन इंपॉर्टेंट जो इसमें चीज है वो ये है कि हम अपने प्रोग्राम के फ्लो को रिप्रेजेंट करें, तो फ्लो को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एरोहेड या फिर फ्लो लाइंस की रिप्रेजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फ्लो लाइंस हमारी जो एरोहेड्स हैं उन्हें हम फ्लो लाइंस कहते हैं। नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास यूजर दो नंबर एंटर करें, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो, ठीक है। अब मैं इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में जरा बोलूंगी भी। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो, उसके बाद यूजर से इनपुट लिया जाए दो नंबर की और फिर डिसीजन किया जाए कि उन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर ग्रेटर है और जो भी नंबर ग्रेटर है वो हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाए, ठीक है, और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाए। अब इन सिंबल्स को यूज करते हुए हम अपना फ्लो चार्ट देखते हैं कि हम अपना फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने कहा हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो, ठीक है, तो हमने स्टार्ट के लिए एक सिंबल रखा, टर्मिनल बनाया। उसके बाद हमने इनपुट लेनी है दो नंबर की, तो हमने नंबर वन और नंबर टू की इनपुट ली, ठीक है। एक पैरेललोग्राम हमने यूज किया टू इनपुट और आउटपुट के लिए, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर आपने इनपुट या आउटपुट लेनी हो तो हम एक पैरेललोग्राम यूज करते हैं। तो इनपुट लेनी थी, हमने एक पैरेललोग्राम शेप ड्रॉ की और उसके अंदर हमने लिखा इनपुट नंबर वन एंड नंबर टू। नेक्स्ट हमें डिसीजन लेना है कि इन दोनों नंबर में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डायमंड लगाया और डायमंड के अंदर हमने एक कंडीशन लिखी कि नम वन ग्रेटर है नम टू से। अब इधर ये स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। अगर मेरी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी तो मेरा जो फ्लो है वो इस साइड होगा और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो ये फ्लो होगा, ठीक है। तो अगर मेरा नम वन ग्रेटर है नम टू से तो मैंने ये क्या प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे कि नम वन इज ग्रेटर। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो मैंने क्या प्रिंट करवाना है कि नम वन ग्रेटर नहीं है बल्कि नम टू ग्रेटर है, ठीक है। और दोनों में से चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो जो भी डिसीजन होगा उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपका प्रोग्राम एंड हो जाएगा आफ्टर प्रिंटिंग अ पर्टिकुलर मैसेज कि नम वन ग्रेटर है या नम टू ग्रेटर है। उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है उसने एंड होना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने दोनों डायग्राम के जो फ्लो था उसे कनेक्ट किया यूजिंग अ कनेक्टर और उसको एंड कर दिया। ये हमारे जो आज का टॉपिक था वो यही था कि हमने ये देखना था कि किस तरह से हम कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है और फिर हमने देखा देखा देखना ये था कि हमने किस तरह से प्लान करना है अपने कोड राइटिंग को। उसके लिए हमने दो मेथड देखे, एक हमने इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट चार्ट देखा और दूसरा हमने फ्लो चार्ट देखे।
अब इसके बाद जो अपना हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा पाइथन लैंग्वेज की तरफ। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज बेसिकली जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो हमें कोई ना कोई लैंग्वेज आनी चाहिए ताकि उसमें हम अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। तो हम अपने इस आईसीटी के कोर्स में पाइथन लैंग्वेज को स्टडी करेंगे, और पाइथन लैंग्वेज को स्टडी करने का क्या पर्पज है, पाइथन लैंग्वेज क्या है और क्यों हमने इसे एज अ फर्स्ट चॉइस लिया टू स्टडी आवर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या फीचर्स हैं पाइथन लैंग्वेज के, कौन कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, कितनी टाइप की लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और किस तरह से इसको डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाए, ये हम अपने नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे।